इतना बड़ा संसार है, इस संसार में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हमारे भारत में कोई ना कोई तीर्थ, नदी, धाराएं, सरोवर छुपे हुए हैं। भगवान ने यहां सब लीलाएं करी हैं। जितने भी सब लोग ये जन्म लेकर के संसार में आते हैं, सबका कल्याण होता है। जो चाहता है, जो नहीं चाहता है, तो जैसे जन्म लिया उल्टे सीधे कर्म करें, मर गया, चला गया, फिर वहां धर्मराज पाप पुण्य की कमाई की तुलना करता है, किस व्यक्ति ने कितने शुभ कर्म किए, कितने अशुभ कर्म किए। धर्मराज के पास में बहुत बड़ा तराजू है, उस तराजू में जीव के एक पलने में धर्म होता है, पुण्य होता है, और एक पलने में उस जीव का अशुभ कर्म होता है, पाप होता है। जब अशुभ कर्म और शुभ कर्म बराबर होते हैं तो पुनः उस व्यक्ति को संसार में धकेल दिया जाता है कि जा तो दोबारा कष्ट पा, और ज्यादा पाप होते हैं तो वह उस पापी को बस वैतरणी नदी, तो क्या उसको फिर नरक में धकेल दिया जाता है, तो नरक भोग। अशुभ कर्म करने से ही 84 लाख योनियां हमारे यहां बताई हैं। 84 लाख योनियों में क्या क्या नहीं है, चींटी से लेकर के हाथी तक कितने योनियां हैं, उस सब में मनुष्य आदि ये सब जीव जन्म लेता है। ये 84 लाख योनि भोग करके अंत में मनुष्य देह में आता है। जिसका पुण्य ज्यादा है वह देवलोक में जाता है, और जो वैष्णव है, जिसने बहुत पुण्य किए हैं, धर्मात्मा है, दानी है, ज्ञानी है, सन्यासी है, वह भगवान के लोक में भगवान का पार्षद बनकर के निवास करता है। जीव संसार में आता तो है, लेकिन आता तो कुछ और ही वायदा करके है, लेकिन यहां कुछ और बन जाता है, ये बात अलग है। आता कुछ और करने के लिए, लेकिन यहां कुछ और बन जाता है। आता है शुभ कर्म करने के लिए, लेकिन उसका संग उसे बिगाड़ देता है। और जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा है जंजीर। कोई जा रहा है, किसी की तैयारी है, तो कोई आ रहा है। आवागमन का जो चक्र है संसार में, यही तो शुभ अशुभ कर्मों का खेल है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम। तो संसार में आकर के व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। ये नहीं कि बूढ़े हो जाओगे तब, लोग कुछ लोग कहते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब इस लायक होंगे, तभी तो तीर्थ यात्रा करेंगे, तभी तो मंदिर जाएंगे, तभी तो धर्म करेंगे, अभी तो हम पाप करने के लिए आए। जवानी में पाप करोगे, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करोगे, धर्म करोगे? अरे भैया, बुढ़ापा तुम्हारा आएगा क्या? जवानी में पाप कर लिए, पाप करते करते जवानी में चले गए तो फिर क्या होगा? क्या कन्फर्म है? इसलिए वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था में अपने बच्चों से भी, अपने उनके हाथों से पुण्य करवाओ, दान करवाओ, तीर्थ करवाओ, मंदिर लेके जाओ, भगवान की कथा सुनाओ। उनका जीवन बनाना आपके हाथ में है, बिगाड़ना आपके हाथ में है। हमारा बच्चा कैसा हो ये आपके हाथ में है। लेकिन कई बालक पूर्व जन्म में अशुभ कर्म करने के लिए जब पिता से खटपट हो जाती है तो वो विष खाकर के मर जाते हैं, या किसी न किसी कारण से मर जाते हैं, तो उनका पुनर्जन्म पिता से
समझ जाओ। फिर दुश्मनी लेने के लिए आता है, फिर वह पिता का शत्रु बनता है। पिता और पुत्र में इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है, एक मिनट नहीं बनती पिता पुत्र की, तो समझ जाओ कि पूर्व जन्म में कोई ये मेरा शत्रु होगा जो बदला लेने के लिए आया है। एक गुरु के एक शिष्य थे, वह शिष्य गुरु को बड़ा मानता था। तो एक दिन वो गुरु के पास में गया कुछ पूछने के लिए, तो घर में गुरु जो थे नहीं, तो घर में गुरु माता थी। शिष्य बड़ा उतावला सा, बड़ा परेशान सा अपने कोई काम को लेकर के गया। और शिष्य ने जाकर के प्रणाम किया गुरु माता के चरणों में और पूछा कि हे माता जी, गुरु जी कहां गए हैं? उस गुरु माता ने कहा, अरे कहीं मर गया होगा, कहीं बाहर गया होगा, कहीं भाड़ में गया होगा, मुझे क्या पता कहां गया। अब शिष्य की तो आंखें खुल गई कि ये क्या कह रहे हैं गुरु माता, मेरे गुरुजी के लिए ऐसा बोल रही हैं, उनकी पत्नी ऐसा बोल रही हैं। निराश होकर के गुरुजी के घर से बाहर आया, गुरुजी रास्ते में मिल गए और कहा, गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, पहले मैं आया तो अपने समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास में था, लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं कि मैंने जब आप गुरु माता से कहा कि गुरुजी कहां हैं, तो उन्होंने आपके विषय में क्या कहा? गुरुजी मुझे इस बात का जवाब चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा जो तुम्हारी गुरु माता है ना, वह मेरी शत्रु है। पूर्व जन्म में वह गधी बनी थी और मैं कौवा था, तो मैं इस गधी के वजन ढोने से उसके पीठ पर घाव हो गया, तो घाव होने से मैं कौवा बनकर की चोंच से इसके मांस को बार बार खाता था, ये उछलती थी और मुझे मजा आता था। तो ये देव योग से ये गधी काम करने के लिए जो उसका मालिक था, इसको तीर्थ यात्रा में लेकर के चला गया, हरिद्वार लेकर चला गया। हरिद्वार में जब गई तो ये मर गई, और तो वह भी उसके पीछे पीछे चला गया, तो मैं भी मर गया। तो ये पूर्व जन्म की जो पाप हैं, उसका बदला लेने के लिए ये वही गधी मेरी पत्नी बनकर की आई है, मैं वही कौवा जो उसका पति बना हूं बदला लेने के लिए आई है। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं? यानी कि पूर्व जन्म में जो व्यक्ति अशुभ कर्म करते हैं, उसका फल इस देह इस मृत्यु लोक में भोगने के लिए आते हैं। अब आपका जो विवाह जिस पत्नी से हुआ, जिस पति से हुआ, वो आपकी पूर्व जन्म के संस्कार था, एक संयोग था। आपके घर में जो बेटा हुआ, जो बेटी हुई है, ये भी आपकी पूर्व जन्म कोई संस्कार है, कोई रिश्ता था, कोई कारण था। एक झोली में फूल खिले, एक झोली में काले, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण हो, कोई कारण है। एक माता से दो पुत्र होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार आचरण अलग अलग प्रकार का। एक मां क्रोधी है, एक भक्त है, उसके पूर्व जन्म कोई संत के होंगे, कोई भक्त का होगा, कोई ज्ञानी का होगा, कोई पुण्यात्मा होगा जो संत बनकर के आपके घर में आया। जो महाक्रोधी है, जो महापापी है, जो मर गया,
जो आपके किसी अशुभ कर्म के कारण से जो बंधन बंध गया था, वह क्रोधी पुत्र, वह कलेश करने वाला, झगड़ा करने वाला, सताने वाला, माता पिता को मारने वाला कोई शत्रु ही है जो आपसे बदला लेने के लिए आया। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। बच्चे का बाल्यकाल बता देता है कि इसके जीवन कैसा होगा। वृक्ष का जो पत्ते होते हैं वृक्ष में, तो छोटे जो वृक्ष छोटा वृक्ष होता है, वृक्ष का बचपन बताता है कि इस वृक्ष में कितने मीठे फल होंगे। छोटे वृक्ष में अगर चिकने पत्ते हैं, सुडोल पत्ते हैं, तो समझ लेना इस वृक्ष का जो फल होगा बहुत मीठा और रसदार होगा। शुभ अशुभ कर्म का फल संसार में मिलता है। और बताया सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप और श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र बताए गए हैं। इन सरोवरों के पास पुण्य क्षेत्रों में जाकर के अगर आप एक रुपया भी दान करते हैं तो 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।